बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से पीपल्स एक्शन नेशनल इंटीग्रेशन संस्था यानी पानी ग्रामीण क्षेत्रों में उतरी है। यही नहीं, संस्था द्वारा किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए इस पर भी फोकस किया जा रहा है। वहीं युवाओं तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का भी संस्था जरिया बन रही है। इसी कड़ी में संस्था ने ग्रामीण विकास के लिए सोमवार को धर्मशाला में समग्र ग्रामीण विकास परियोजना लॉन्च की। इस दौरान एडीसी राहुल कुमार विशेष तौर पर उपस्थित रहे। वर्तमान में संस्था नगरोटा बगवा ब्लॉक के 15 गांवों में काम कर रही है। संस्था द्वारा एचआरडीपी के माध्यम से आगामी 4 वर्षों तक 15 गांवों में आजीविका संवर्धन, स्वास्थ्य स्वच्छता, बेहतर शिक्षा, मृदा एवं जल प्रबंधन क्षेत्र में काम करेगी। हम लोगों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में जहां काम कर रहे हैं एक एक रियासी सेंटर डेवलप कर रखा है ग्राम संसाधन केंद्र। उस संसाधन केंद्र पे सारी सुविधाएं हम लोग खुद रखे हैं। वहाँ जैसे सॉइल टेस्टिंग किट है तो आपको किसान को बहुत एफर्ट करना पड़ता है तब वो टेस्टिंग कर पाता अपने मिट्टी की जाँच के लिए कि कितना उसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास डालना है उसमें, तब उन्हें वो समझ पाता है चीज़ों को। साथ में ही वाटर टेस्टिंग किट है वो भी हम लोग वहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं। वेइंग मशीन है और आपका जो स्प्रे मशीन है जो गरीब किसान नहीं अफोर्ड कर पाता स्प्रे मशीन वहाँ दे रहे हैं हम। छोटा जो ट्रैक्टर पावर वीडर आता है वो हम लोग वहाँ पर उपलब्ध कराए हैं। ग्रास कटर जो फसल कटाई के लिए उपलब्ध ये भी हम लोग संसाधन केंद्र पर उपलब्ध कराए हैं ताकि किसानों को जो गरीबतम किसान उसको तकनीकी रूप से पिछड़ा ना रह जाए। हमारा एक कार्यक्रम है वो पानी फाउंडेशन और जो HDFC बैंक का जो CSR एक्टिविटी के माध्यम से HRDP जो होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो नगरोटा बगवा में 15 पंचायतों पर फोकस रहेगा जिसमें इनका होलिस्टिक डेवलपमेंट है। उसमें हेल्थ एजुकेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट एक पंचायत लेवल पे किया जाएगा। और फिर लॉन्ग टर्म में ये और भी जो हमारे कांगड़ा जिले के पंचायतें हैं दूसरे ब्लॉक से उन पर भी फोकस किया है। देखिए ये जो हमारा जो RD का सरकार की कुछ पॉलिसी होती है उसको ये एक सप्लीमेंट करेगा। हमारे जो कुछ पॉलिसी होती है डेवलपमेंट का काम होता है जिसमें हम RD में पॉवर्टी से लेके एम्पावरमेंट से लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर उसमें कार्य करते हैं। तो एक जो NGO होती है CSR एक्टिविटी होती है वो हमें जो हमारे कार्य को सप्लीमेंट करता है ताकि जो हमारे जो जिला के लोग से फायदा हो सके और डेवलपमेंट का कार्य और तेजी से। इनका जो एक प्रशासन की तरफ से ये होता है कुछ ब्लॉक लेवल पे हो गया BDO के माध्यम से अगर इनका कुछ फोकस हो एजुकेशन को लेकर अगर कुछ इनके जैसे आधारशिला का हमारे प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें अगर ये सप्लीमेंट करें हमारे कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर सप्लीमेंट करें तो एक उसका एक सप्लीमेंट्री का एक ये काम करेंगे। नहीं तो मोर लेस उनका अगर कुछ इंडिपेंडेंट काम है तो वो भी कर सकते हैं और सप्लीमेंट में काम करना चाहेंगे सप्लीमेंट। लेकिन ये जिला प्रशासन और जो हमारे ब्लॉक स्तर के जो विद कोऑर्डिनेशन ही इनका जो है काम चल रहा है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धर्मशाला से राजेश कुमार।